है कि मैं अपनी पार्टी के साथ 3 साल से जुड़ा था, तो मैं अपनी पार्टी को छोड़ चुका हूँ। और आज मैं आपके ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी पार्टी के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो भी मैं लोगों के लिए काम करना चाहता था, मुझे अपनी पार्टी से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और इसमें एक्चुअली बात क्या है कि आप देखिए, जो भी इसमें लीडर है वो कांग्रेस से आए हैं, वो पीडीपी से आए हैं, तो वहाँ पे यूथ का कोई भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। वो अपने उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट यूथ के साथ कोई उनका है ही नहीं। आपका क्या दर्जा था अपनी पार्टी में? मैं यूथ प्रेसिडेंट था अपनी पार्टी से। और आप ये देखो, आप चेक करो, 2021 में मैंने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पहली बार यूथ की मीटिंग की, जिसमें बहुत 5 से ऊपर यूथ जुड़ा था मेरे साथ। जी। तो उसके बावजूद भी इनने हमारी जो यूथ का यूथ डिसॉल्व किया उन्होंने। तो जब इनको मैं फ़ोन करता था कि ऐसे लोगों के काम में कहीं सड़कों का रिस्पांस कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे फिर खुद जाना पड़ता था एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी के पास, लोगों के काम करने के लिए। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो सियासी सूरत हाल है, लोकसभा इलेक्शंस है, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये इलेक्शन का जो इस टाइम ये चल रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें इस टाइम अगर इलेक्शन वोट डालना है, उस किस बात पे हम डालेंगे? हमें इस टाइम डेवलपमेंट के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के कामों के लिए हम वो वोट डालेंगे, ना कि सियासत 370 जैसे एनसी एनसी का ये मकसद है कि वो खाली लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे और 370 वापस लाएंगे बाकी चीज़ों का। लेकिन हमारा हमें ये मैं मेरा मुद्दा और मकसद ये है कि हम अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए डालेंगे। तो आगे भी और भी पार्टी है, हाँ, पीपल्स आप कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर रशीद की देखो, पार्टी इंजीनियर जो रशीद है। साहब जी वो फिलहाल बंद है, अब उनके बेटे सियासत कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ पहले 2 दिन पहले के सुना कि वो कह रहे हैं कि मैं 20 तारीख को कॉलेज फिर से ज्वाइन कराऊँ। अगर वो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो हम किसको वोट डालेंगे? हम किसके पास जाएंगे? कल को वो जीतेंगे, हम किसके पास जाएंगे? अगर इंजीनियर रशीद बंद है, किस बुनियाद पर बंद है? मैं ये चाहता हूँ कि अगर इंजीनियर रशीद बंद है जेल में, उसको हमें उसके लिए एक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जंतर मंतर सबसे पहले मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन ये नहीं सियासत के लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि हमें चेहरा किसी का, पीछे कोई और, हमें वोट डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी भी पार्टीज है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, देखो पीपल्स, पीडीपी है। देखो देखो पीडीपी ने तो एक ही मुद्दा उठाया है कि हम जी 370 वापस लाएंगे, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या आप आइंदा पार्टी को ज्वाइन कर जा रहे हैं? देखिए, मेरा अभी तो कोई इरादा नहीं है पार्टी ज्वाइन करेगा। हाँ, मैं उस पार्टी के साथ जाना चाहता हूँ जो लोगों के मसाइल, जो रोजगार, लोगों के मसाइल, हर कोई काम, लोगों के काम जो लोग बोलेंगे मैं वो करूँगा। देखो, आप एक बात बोलिए, मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली बीजेपी ने हमें एक दर्जा दिया था एसटी का, जी, तो पहाड़ी लोगों को एक दर्जा दिया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो हम अभी कोई डिसाइड हम ये डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में, मैं आपको तब बोल दूंगा कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे हम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा जिस जो पार्टी लोगों के काम आए। अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो आप वोट डालते उन्हीं को? वो तो अलग बात है, अगर होते, लेकिन मैं नहीं बोलता कि मैं, हाँ, उनने जो हमें दर्जा दिया है एसटी का, उस बुनियाद पे। तो क्या मैसेज है आपके यूथ के लिए? मैं यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि आप सोच समझ के वोट डालिए। आप सोच, ये नहीं किसी के बहकाने में नहीं आइए कि वो 370 लाएगा, वो ये काम। आप इस बार हमें ये वोट डालना है कि हमें डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, बेरोजगारी कहाँ पे खत्म होगी, हमारे बिजली के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, हम उस बुनियाद पे वोट डालेंगे, ना कि 370 बाकी चीज़ों पर नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे। देखो, इसका मुद्दा और मकसद यही था कि अगर हम इस बार वोट डालेंगे, इसमें एक ही चीज़ होगी, डेवलपमेंट के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। अपनी पार्टी से क्या इख्तलाफ है आप? देखो, अपनी पार्टी से मुझे ये है कि वहाँ पे यूथ को इज्जत नहीं है। अगर अपनी पार्टी को आप देखिए, वहाँ पे कौन से लीडर हैं, जो वही सियासत कर रहे हैं जो पुराने लीडर हैं, जैसे कांग्रेस से आए हैं, पीडीपी से आए हैं, सियासत वही कर रहे हैं, हमारी वहाँ जगह है ही नहीं। क्या आप ये मान के चलते हैं कि हमें नए चेहरे आने चाहिए सामने? हाँ, क्यों नहीं? अगर अगर आप यूथ को मौका दोगे, मैं तो मुझे तो कम टाइम हुआ सियासत में, 1-2 साल से, अगर यूथ को मौका देंगे तो क्यों नहीं होगा? अब आप हम बोलते वो बोलते कि पीडीपी ने यही किया, कांग्रेस ने यही किया, वो कौन लोग हैं? अब मुझे बोलो, वो कौन लोग हैं? उन्हें पीडीपी से है, वही कांग्रेस से है, वही बाकी पार्टियों से, वही अब उन्हें नई पार्टी बनाई है, वही कह रहे हैं कि उन्हें पीडीपी ने यही किया, लेकिन लोग वही है ना। मैं ये चाहता हूँ कि यूथ आगे आए, नए नए चेहरे आगे आए,
बस, और एक खानदानी जो राज यह है खत्म होना चाहिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आजम खान बाटला, पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम का एक खादम अपनी कौम को, एक खादम के तौर पर काम कर रहा हूँ। ना कोई लीडर, ना कोई उदा, ना कुछ, हम अपने कौम को आगे चला रहे हैं। जहांगीर खान साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहाड़ी कल्चर जो अपनी कम्युनिटी है एसटी हमारी पहाड़ी ट्राइबल, इसमें आप शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह हम कौम की खिदमत करेंगे। और ऐसा यूथ यंग जवान लीडर ऐसे ही इसकी ज़रूरत है जहांगीर साहब की मुझे, कि ऐसा मैं रफियाबाद में हम खड़ा करेंगे और जहां तक हो सके हम चलेंगे इसके साथ, इसको आगे चलाएंगे। अपना पहाड़ी लीडर तो बनेगा ना, मेरा एक पहाड़ी लीडर काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा। आज भी हालातों पर आप नज़र दीजिए, देखो हमारी जो है कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी एहसान का बदला एहसान देने के लिए मेरे सभी भाइयों को गुजारिश करता हूं कि सभी भाई मेरे जो पहाड़ी कल्चर के साथ वाबस्ता है, एहसान का बदला एहसान देने के लिए तैयार हो जाओ, और आज देना है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।